हे गाइज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरा ब्लॉगिंग का 5th डे है। कल मुझे सोने के लिए बहुत लेट हो गया था क्योंकि एक वीडियो एडिटिंग कर रहा था। आज भी मुझे वीडियो का शूटिंग का काम है, एक टैटू अपॉइंटमेंट है, तो देखते हैं आज का ब्लॉग कैसा जाता है हमारा। सो गाइज़ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली रूटीन। तो मेरा डेली रूटीन स्टार्ट्स विद वाटरिंग माई प्लांट्स, द मिनी गार्डन दैट आई हैव हियर। आई वाटर देम and after that to wake me up completely I need my cup of coffee. सो आप जैसे कि देख सकते हो मेरा वाटरिंग ख़त्म हो चुका है मेरा मेन रूम के लिए। अभी हम जाते हैं किचन और मेरा किचन में जो भी प्लांट्स हैं उसको वाटर देते हैं। सो फाइनली हमने डे का फर्स्ट रूटीन कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अपने आप को जगाने के लिए, दैट इज़ कॉफ़ी। सो गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ मेरा आज का रूटीन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी दोपहर का लंच कुक करने का मेरा प्लानिंग है। लंच कुक करने के लिए थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेने जाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए मैं अभी बाहर जाऊँगा। वो होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर का डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो चुका है, तो एक हेयर पैक है जो मुझे ऑनलाइन और मुझे एक फ्रेंड से मालूम पड़ा, तो मैं वो हेयर पैक लगाने वाला हूँ ताकि थोड़ा मुझे सेटिस्फैक्शन और थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। वो हेयर पैक लगाने से डैंड्रफ निकल जाता है, तो वो करेंगे। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों भी एक दूसरे के ऊपर हम हेयर पैक लगाने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा फेस मास्क और यू नो सेल्फ ग्रूमिंग। ये होने के बाद इवनिंग को मुझे एक अपॉइंटमेंट है लगभग 6:30 के करीब। सो वो भी मैं आपको टाइम लैप्स वीडियो में बताऊंगा मेरा टैटू का प्रोसीजर क्या है। तो आफ्टर दैट एज यूजुअल मैं वीडियो एडिटिंग पे लग जाऊंगा। सो दैट इज़ हाउ माई टुडे इज़ गोइंग टू लुक लाइक। सो लेट्स सी हाउ माई डे गोस एंड अ वेरी गुड डे टू यू ऑल। सो गाइस मैं अभी आया हूँ मेरे सब्जी मंडी के उधर। तो आज कुकिंग के लिए मेरे को 2-3 चीज़ों का ज़रूरत था जो मेरा घर में अवेलेबल नहीं था। तो मैं कुकिंग में कैबेज पोरियल बनाने वाला हूँ और अरबी मोर कुटान। सो मैं कैबेज ख़रीदने आया हूँ और अरबी तो घर पे है, तो कैबेज लेने का है और कोकोनट लेने का है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी मेरा सब्जी मंडी कैसा है। सो ये रहा हमारा सब्जी का दुकान। माइकल एक कैबेज देना और एक कोकोनट देना। सो आप देख सकते हो सुबह सुबह का एकदम फ्रेश स्टॉक। और हमारा कैबेज और कोकोनट कितना हुआ? 70 बोल रहा है। और धनिया और कवर था। सो अभी हम लोग कुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग को प्रिपरेशन के लिए हमारा नारियल जो है ना उसको काटना है, उसको तोड़ना है। तो पहला मैं वो प्रोसेस आपको बताता हूँ। सो नारियल को अच्छे से वॉश कर लिया। इसको हमारे भाषा में बोलते हैं विट्ट कत्ती। साउथ इंडियन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम रहेगा ये क्या है, कोयता कोयता। तो इससे हम अभी हमारा नारियल तोड़ेंगे। ये आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे से तोड़ा हूँ, एकदम दो भाग एकदम सुंदर हुआ है। सो छान छान। सो जैसे कि आप देख रहे हो मैं नारियल ग्रेट कर रहा हूँ और ये जो वुडन प्लांट में मैं ग्रेट कर रहा हूँ ये कम से कम 30 साल पुराना रहेगा। मेरा उम्र का ये इक्विपमेंट है एंड इसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है। तो पता नहीं फीमेल लोग हमारे मम्मी कैसे ये मैनेज करते हैं। इसका स्किल को मास्टर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी अच्छे से ग्रेट होएगा। एंड साथ ही साथ आपको आपका हाथ का भी ख्याल रखना है। आप देख सकते हो मैंने कैसा ये चीज़ का 90% फिनिश करके साइड में रख के हो, क्योंकि इसके आगे मेरे को जमरा नहीं है कैसा इसको कम्प्लीटली ये करे। तो मैं नया पीस पे अभी चले गया हूँ। सो अभी हम लोग कैबेज को कट करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो वी कट कर देते हैं हम। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट लंच कुकिंग ख़त्म हो चुका है और खाना खाने के बाद हम इवनिंग का तैयारी करने को ले लेंगे टैटू का। सो वी ऑल सेट फॉर द टैटू एंड द क्लाइंट इज़ हियर, His name is Arvind. So we're gonna start a Startu now. So you're gonna see how we do a Startu today. So the design and the trace is ready. So this is a karma symbol and this is a Libran symbol. So now let's see how we do the tattoo. I'm gonna be doing this tattoo in dot work and this in filling. So now let's see. Shut up and sit down. Shut up and sit down. Shut up and sit down. तो फाइनली टैटू ख़त्म हो चुका है और अभी हम क्लाइंट से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था हमसे टैटू बनाने का। हाय गाइस, माय नेम इज अरविंद, आई एम फ्रॉम चेंबूर। Little did I know that when I came here to get this geometric tattoo done, I didn't expect it to be such a fabulous job, superb work done. He's really professional, he's done a superb job and he exactly gave me what I was looking for. So thank you so much. Thank you for this. Thank you Arvind for getting a tattoo done from me and thanks for trusting me too. So finally tattoo का अपॉइंटमेंट फिनिश करने के बाद मैं अभी आया हूँ मेरा फ्रेंड के घर पे और आज रात का डिनर मैं यहाँ पे ही करने वाला हूँ। आज आफ्टरनून का भी डिनर काफ़ी अच्छा था और हाँ, मुझे मालूम है कि मैंने इमेजेस और वीडियो फाइनल आउटपुट का पोस्ट नहीं किया, बट आप लोग समझ सकते हो कि मैंने क्यों नहीं किया। और समझे नहीं तो प्लीज़ समझ लेना। सो आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को टैटूवाला टॉक्स ऑन यूट्यूब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। Also share my video with your friends and family and show some love guys. Till then, this is Rahul Venkat signing off.